बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज एक्सपो सेंटर का डे टू है, फ्राइडे का दिन है। आज का ये जो व्लॉग हम बना रहे हैं, तो जो कुछ चीज़ें रह गई थी या छूट गई थी हमसे लास्ट व्लॉग्स के अंदर, कोशिश की है कि आज के व्लॉग में हम उनको कवर अप करें। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं या कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ मैं आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो उसके लिए आज का व्लॉग जो है वो आप ज़रूर चेकआउट करें। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पीवी केयर के स्टॉल पे और ये पीवी क्लीनिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो कि बड़े बड़े फॉर्म्स के ऊपर लगाई जा सकती हैं। ये डेफिनेटली हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेंगी डोमेस्टिक सिस्टम में, लेकिन जो ऑन ग्रिड के सिस्टम बड़े लगते हैं इंडस्ट्रियल टाइप, उनके लिए ये मशीनें काम की हैं। और ये फिर पैनल्स भी उसी पैटर्न पे लगाने पड़ते हैं ताकि आप इन मशीनों के थ्रू ऑटोमेटेड जो है वो पूरे प्लांट को क्लीन कर सकें। पीवी केयर का स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मौजूद हैं टोपाक के स्टॉल के ऊपर, जहाँ पे इनकी लिथियम बैटरी हम आपको दिखाते चलें। ये लिथियम बैटरी 2,90,000 रुपये की है, 5,000 लाइफ साइकिल्स हैं और इसकी 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आज की इनकी ऑफ़र ये कि अगर आप ये बैटरी लेते हैं और इस बार कोड को स्कैन करते हैं तो 15,000 रुपये कैश बैक भी ये आपको देंगे। तो ये इनकी आज की ऑफ़र है एक्सपो सेंटर के अंदर। तो आज हम इनके इंस्टॉल पे आए हुए हैं, कुछ चीज़ें कल मिस हो गई थी तो वो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा दें कि जो जो चीज़ें हमारी मिस हुई हुई हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ कल मिस हो गई थी, ओरे के स्टॉल पे हम मौजूद हैं। आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आप लोगों का भी। कॉन्सेप्ट क्लियर ये कि जो पैनल है ये बायफेशियल है एन टाइप, और ये फ्रंट से 700 वॉट दे रहा है। बायफेशियल जो इसकी बैक साइड पावर कैपेबिलिटी है वो 70 वॉट है, ये आप देख रहे हैं। ये खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये पैनल आपको 770 वॉट की एफिशेंसी दे सकता है। तो ये बायफेशियल जो पैनल्स होते हैं इनका बेनिफिट होता है, ये देख सकते हैं, ये इनका बेनिफिट है पैनल्स का। सो इनके फ्रंट पे लिखा हुआ है 700 वॉट। तो बायफेशियल एफिशिएंसी ये होता है कि हाई टेम्परेचर में ये पैनल जो है वो आपको जनरेशन करके दे रहा होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। तो ये खुद क्लेम कर रही है कंपनी की हम 70 वॉट जो है वो आपको बैक साइड से मिल रहे होते हैं। एको का स्टॉल हमने कल आपको दिखाया था, आज दोबारा थॉरल से चीज़ें चेक कर रहे हैं और इसके अंदर ये 24.1 एफिशिएंट पैनल है। आपको इससे पहले मैंने दिखाया था वो 22% एफिशिएंट था, 22.5, और ये 24.1 एफिशिएंट पैनल है। इसका जो बिल्कुल वो जो पैटर्न है वो देखें, इसमें सेल दिखाई नहीं दे रहा, बस बार जो है वो सेल के अंदर है। तो टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लेके आ रही हैं। वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि टी सोलर का हमने ये हाइब्रिड इन्वर्टर आपको दिखाया था, और ये ही सेम इन्वर्टर एसीएस ने भी लॉन्च किया हुआ है। इसका प्लस पॉइंट तो ये कि यहाँ पे ये ऑन है और ये साथ में टच एलसीडी के साथ है। डिस्प्ले आपको दिखाते हैं, ये इसका डिस्प्ले है और ये टच एलसीडी के साथ है। इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो भी टच के थ्रू होगी, ये टच के थ्रू ही ऑपरेट होगा। ये मतलब ये सोलिस की तरह नहीं है कि आपको बटन्स ऑपरेट करने पड़े, ये प्योर जो है वो टच के साथ ही ऑपरेट कर रहा है। तो इसी तरह से हम इसमें बैटरी में जाके इसकी टाइप्स भी सेट कर सकते हैं। लिथियम में दिखाइएगा कि कौन कौन सी बैटरी, ये लिथियम में सारी बैटरी सपोर्ट कर रहा है। इसमें पायलोनटेक भी है, वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स के ये सारे नाम आ रहे हैं। इसमें डाई नहीं आ रहा, डाई और सोलेक्स नराडा है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस लग रही हैं। तो इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 2,30,000 रुपीज़ है और ये टी सोलर के स्टॉल पे इस वक्त डेमोस्ट्रेशन इसका चल रहा है। अच्छा, इसका लोड आउटपुट जो है वो इन्वर्टर से सिंगल है और इसका ड्यूल आउटपुट सीटी के थ्रू मैकेनिज्म काम करता है। वो सीटी का मैकेनिज्म ये कि आपने इसको मेन लोड के ऊपर डालना है, सीटी ये लगी हुई है इनकी, तो जो इसका एक्सेस लोड है सीटी के थ्रू वो मैनेज कर रहा होगा कि जो रनिंग लोड से हट के पावर होगा वो आपके ग्रिड के ऊपर जितना भी पावर डायरेक्टली ऑपरेट हो रहा होगा ये उसको सपोर्ट करेगा। तो यही सेम फंक्शन सोलिस के इन्वर्टर्स के अंदर भी है और ये डेमो जो है अच्छा है कि यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन मिल गया है। तो ये ब्रेकर के थ्रू जो है वो आप इस तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब जो लोड आपका घर के अंदर इन हो रहा है आप उसको एक्सिलरी लोड कहते हैं, जिसको बाईपास करके ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ये उसको सीटी के मदद से सपोर्ट करता है। ये इसका मैकेनिज्म है जिसके तहत ये इन्वर्टर लगा हुआ है।
मेरी कल की वीडियो में से जो है सनलाइफ मिसिंग था, तो यहाँ पे सनलाइफ भी मौजूद है एक्सपो में। और इसके ये दो इन्वर्टर यहाँ पर हैं, 6.2 एंड 4.2 किलोवाट के वेरिएंट्स। तो एक तो ये मॉडल है इनका, और इसी तरह से इनके वोल्ट्रॉनिक्स वाले भी दो मॉडल्स रखे हुए हैं। ये जो है इनके दोनों वोल्ट्रॉनिक्स हैं, ये वोल्ट्रॉनिक्स हैं 6 किलोवाट, और डेफिनेटली ये पैरेलल नहीं हो सकते, वो किसी और कंपनी से बन के आए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कमों पर सारी कंपनीज OEM करवा रही हैं। OEM का मतलब ये होता है कि चाइनीज़ कंपनीज से अपना कोई भी नाम दे के आप प्रोडक्ट जो है वो बनवा सकते हैं। तो आज एक्सपो के अंदर अच्छा खासा रश है। हमारी जो कल की वीडियोस थी काफ़ी वायरल हुई हैं और काफ़ी लोग आए हैं। अच्छा हाँ, एक कमेंट किसी ने किया था कि हमने आईटेल को इग्नोर कर दिया था। तो भाई देखें, हर स्टॉल पे जा जा के वीडियो बनाना जो है रश के दौरान थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका IP65 वेरिएंट है जो मुझे पसंद है, पसंद इस सेंस में कि वो IP65 है। IP65 ये वाला वेरियंट थ्री फेस है, थ्री फेस और 15 किलोवाट है। ये आपको दिखाते हैं, सॉरी ये 12 किलोवाट का वेरिएंट है, ये 12 किलोवाट का वेरिएंट है जो कि 6.5 लाख रुपए में ये लोग दे रहे हैं यहाँ पे। और सबसे लोएस्ट प्राइस में IP65 आईटेल के पास ही है। अब आईटेल की क्वालिटी क्या है गॉड नोस बेटर, लेकिन यहाँ पे इनके पास रेंज काफ़ी सारी है। चाइनीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके छोटे इन्वर्टर्स भी हैं, इनके पास लिथियम बैटरीज भी हैं। तो मेरे भाई जिसने शिकायत की थी आपके लिए दोबारा वीडियो बना ली है हमने। ये आईटेल का स्टॉल जो है वो कंप्लीट आ गया है। आपको इनके ऑन ग्रिड भी दिखा देते हैं, ये इनके ऑन ग्रिड बड़े इन्वर्टर्स हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग। ये इनके ऑन ग्रिड के इन्वर्टर्स हैं और ये स्टॉल पे रश लगा हुआ है। कल मैंने यहाँ पे आना था लेकिन मैं अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में फिर चला गया था, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया। अच्छा, सनशाइन की कुछ चीज़ें रह गई थी। 11 किलोवाट का इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक्स से एक क्लाइंट ने हमसे ये पूछा था कि वोल्ट्रॉनिक्स है क्या भला। बेसिकली चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी कंपनीज को इन्वर्टर बना के दे रही है। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है वोल्ट्रॉनिक्स का, और जिसने पाकिस्तानी मार्केट में कुछ साल तक रहना है वो वोल्ट्रॉनिक्स से बनवा के फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं।